गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट वी डिस्कस द एग्जाम्पल थर्ड इन चैप्टर 9 सिंगुलर पॉइंट्स. इन एग्जाम्पल थर्ड डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन. सिंगुलर पॉइंट्स मीन्स इसके जो भी सिंगुलर पॉइंट्स होंगे उनका नेचर डिस्कस करना है. ठीक है, ये फंक्शन गिवन है e रेज टू द पावर c अपॉन z माइनस a अपॉन e रेज टू द पावर z अपॉन a माइनस 1. ठीक है, तो इसमें पोल्स फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द पोल्स ऑफ द फंक्शन f z, वी पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. ठीक है, सबसे फर्स्ट डिनोमिनेटर को 0 पुट करो इसमें. देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन अब अपने आप से इसमें ले लोगे. टू फाइंड द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड वी हैव डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. ठीक है, इसको 0 पुट करोगे देन ई रेज टू द पावर जेड अपॉन ए इक्वल टू 1. 1 को किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्या बताई थी जनरल वैल्यू इसमें e की टर्म्स में, आयोटा 2n पाई. ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया था इसको कि कैसे इसकी वैल्यू 1 होगी. इसको ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा ये ले लो, तो ये आयलर थ्योरम से कोस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई हो जाएगा. ठीक है, एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करके देखो देन वी गेट 1. तो यहाँ से जेड अपॉन ए इक्वल टू, ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से. जेड अपॉन ए इक्वल टू यहाँ से ये टर्म हो जाएगी आयोटा 2n पाई. ठीक है, तो जेड इक्वल टू आयोटा 2n पाई ए. ठीक है, एन की वैल्यूज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये यहाँ पर भी एन 0 प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन. ठीक है, व्हेन एन इक्वल टू 0, इसमें जो भी सिंगुलर पॉइंट्स हैं सभी पर सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसमें एन इक्वल टू 0 होगा देन जेड इक्वल टू 0. एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 एक साथ ले लो, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. देन जेड इक्वल टू प्लस माइनस 2, एन की वैल्यू पुट करोगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा पाई ए प्लस माइनस 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, 4 आयोटा पाई ए. ठीक है, प्लस माइनस 3 2 जा 6 आयोटा पाई ए एंड सो ऑन. ठीक है, तो एन की वैल्यू पुट करने के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट हो रहे हैं. तो ये तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करने से जेड ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये सभी तो क्या कहलाएंगे, सिंपल पोल हो जाएंगे इस फंक्शन एफ जेड के लिए. इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लोगे, टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट देन जेड इक्वल टू इनफाइनाइट. सो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स. देन वी से दैट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करने के अकॉर्डिंग ये जेड की वैल्यूज हैं, ये तो क्या हो गए, आर द सिंपल पोल्स ऑफ फंक्शन एफ जेड एंड टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इन जेड इक्वल टू आयोटा 2n पाई ए देन जेड इक्वल टू इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स. तो पॉइंट वाइज चलो कहीं रखना नहीं है इसमें. ठीक है, मेथड्स क्लियर होने चाहिए. जेड इक्वल टू इनफाइनाइट ये क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स. तो यहाँ से जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी.
ठीक है, तो डिनोमिनेटर को जीरो पुट करने के अकॉर्डिंग तो ये अपना ये सिंगुलरिटीज फाइंड आउट हो गई इन इन पॉइंट्स पर। टू फाइंड द जीरोज ऑफ फंक्शन एफ जेड वी हैव, अब देखो न्यूमरेटर को जीरो पुट करो और उससे देखो क्या पॉइंट आता है। e raised to the power c upon z minus a equal to 0, e raised to the power c upon z minus a, और इस 0 को e raised to the power minus infinite, क्योंकि e raised to the power minus infinite ये क्या होगा, e raised to the power infinite, e raised to the power infinite किसके इक्वल होता है, infinite के इक्वल, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 1 upon infinite equal to 0, इसलिए यहाँ पर 0 को exponential terms में किस form में represent किया है, e raised to the power minus infinite, ठीक है, तो इससे देखो क्या पॉइंट आता है अपना, तो यहाँ पर 0 को इससे रिप्रेजेंट किया है c अपॉन z माइनस a इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, तो यहाँ से z माइनस a अपॉन c अपोजिट करोगे तो ये माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, या ऐसे भी ले सकते हो इस z माइनस a को इधर ले लो राइट हैंड साइड में, इसको इसके नीचे तो c अपॉन माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ठीक है, तो जेड माइनस ए अपॉन सी इक्वल टू 0, देन जेड माइनस ए इक्वल टू 0, तो कैसे भी सॉल्व करो जेड इक्वल टू ए पॉइंट आएगा इससे, जेड इक्वल टू ए, ठीक है, तो यहाँ पर जेड इक्वल टू ए जो है ये अपना न्यूमरेटर को जीरो पुट करने से ये वैल्यू आई है, ठीक है, न्यूमरेटर मीन्स ये जीरो जीरोज फाइंड आउट हुए हैं फंक्शन एफ जेड के इस पॉइंट से। अच्छा यहाँ से देखो ये e raise to the power minus infinite 0 है, ठीक है, क्या e raise to the power minus 2 infinite, e raise to the power minus 3 infinite भी 0 होंगे, क्या कह रहे हो यहाँ पर कि e raise to the power minus 2 infinite, e raise to the power minus 3 into infinite ये भी 0 होंगे क्योंकि 1 upon e 2 infinite, ठीक है, तो ये वैल्यू भी 1 upon infinite ये 0 हो जाएगी, ठीक है, वैसे भी इनफाइनाइट किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है, या वैसे करना चाहो तो जैसे ई रेस टू द पावर इनफाइनाइट का स्क्वायर कर लो, तो ई रेस टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट 0, ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज भी 0 होंगी, तो इसका जनरल वैल्यू यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस एन इनफाइनाइट ले सकते हो, ठीक है, तो ई रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू 0, इससे ये माइनस एन इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट और माइनस एन इनफाइनाइट, ठीक है, तो इससे सिंपल ये रिजल्ट निकलेगा अपना कि ये लिमिट ले, इसमें लिमिट ले सकते हैं, तो माइनस वन अपॉन एन इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है, तो जैसे अब इसमें एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट इन टू इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा उससे, तो लिमिट ले लोगे तो न्यूमरेटर को जीरो पुट किया है पोल्स सॉरी जीरोज फाइंड आउट हुए हैं और फिर लिमिट ले रहे हो यहाँ पर, तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू ए जो है वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा, ठीक है, तो ये जेड इक्वल टू ए पॉइंट न्यूमरेटर को जीरो पुट करके फाइंड आउट हो रहा है इस मेथड के अकॉर्डिंग। इसमें एक मेथड और है जो बुक में सॉल्व किया हुआ है, उसमें क्या है एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज किया है, एक्सपेंड करके फिर इसको सॉल्व किया, ये तो देखो सिंपल पोल्स आ गए, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, ये जेड इक्वल टू प्लस माइनस टू पाई आयोटा एंड सो ऑन आर द सिंपल पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ठीक है, तो ये पूरा यहाँ तक सॉल्व करके, ठीक है, तो ये तो सिंपल पोल्स हो गए, और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट जो है वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई, वो दोनों पॉइंट तो करना ही है, और जेड इक्वल टू ए जो है ये फंक्शन एफ जेड के लिए आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है, जेड इक्वल टू ए, तो इससे भी क्लियर, इससे इजीली आ रहा है, इसमें जनरल वैल्यू ये ले लो माइनस एन इनफाइनाइट, क्योंकि ई रेस टू द पावर माइनस टू इनफाइनाइट माइनस थ्री इनफाइनाइट माइनस फोर इनफाइनाइट सभी वैल्यूज क्या होती हैं 0, तो जनरल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करो, तो ये माइनस वन अपॉन एन इनफाइनाइट हो जाएगा,
ठीक है, तो इसमें n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे देन जीरो हो जाएगा, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये यहाँ पर ये ले लो, इफ वी टेक लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट देन z माइनस a अपॉन c इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा तो ये हो गया, तो z इक्वल टू a इज लिमिट पॉइंट ऑफ z इक्वल टू a इज लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो, सो z इक्वल टू a इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो ये मेथड इजी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो इससे भी बता सकते हो, एक्सपेंड करके कर सकते हो इसमें। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर इसमें जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाली जो टर्म है वो इसमें इनफाइनाइट आएंगी। ठीक है, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है ये, क्योंकि इसमें जेड माइनस ए की पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन हो गया ये, और फिर जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाली जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, इसको यदि इंटू करते हैं सॉल्व करते हैं तो। अब इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो जेड इक्वल टू ए फंक्शन एफ जेड के लिए इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी, और एवरी इसेंशियल सिंगुलरिटी इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, एवरी इसेंशियल सिंगुलरिटी आर आइसोलेटेड आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वियुक्त आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी लिया हुआ है। वैसे तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू ए इज इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। ठीक है, ये तीन पार्ट्स थे, फर्स्ट में क्या था, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल्स और इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था, फिर उसमें नेक्स्ट टॉपिक आया था अपना इसेंशियल सिंगुलरिटी के टू टाइप्स होते हैं, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो उसमें ये तो कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग, ये लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि एवरी इसेंशियल सिंगुलरिटी इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, बट ये मेथड, ये जो मेथड इसमें किया हुआ है और यहाँ पर ये न्यूमरेटर को जीरो पुट करके और फिर यहाँ पर ये बताया है कि ये आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ये दोनों में से एक मेथड आपको सॉल्व करना है, तो बेटर है इस मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो, बाकी करके उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो।